नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए फ्रांस की मदद से बनाई जा रही 6 पनडुब्बियों से जुड़े दस्तावेज और डेटा लीक हो चुके हैं। ये खबर विदेशी मीडिया के हवाले से भारत में आई है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने इस मामले पर नेवी चीफ से रिपोर्ट भी मांग ली है। आपको बता दें कि फ्रांसीसी कंपनी ने भी इसके तहत जांच के आदेश दे दिए हैं। जो डेटा लीक हुआ है वह स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी का बताया जा रहा है, जिसे फ्रांस के शिप बिल्डर DCNS ने भारत के लिए डिजाइन किया था। भारत की संवेदनशील स्कॉर्पियन पनडुब्बी की लड़ाकू क्षमताओं से जुड़े दस्तावेज के लीक होने के बाद भारत की चिंता और भी बढ़ गई है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक लीक हुआ ये डेटा भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान के लिए अहम साबित हो सकता है। उधर रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने बताया कि बीती रात 12 बजे उन्हें इसकी खबर मिली थी और वे इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। 22,400 पेज के इस खुलासे में ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर का कहना है कि लड़ाकू क्षमता वाले स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन का डिजाइन इंडियन नेवी के लिए किया गया था। इसके कई पार्ट का इस्तेमाल चिली और मलेशिया भी करते हैं। ब्राजील को भी 2018 में ये जहाज मिलने वाले थे। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।